देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत के वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, हमसे क्या गुनाह हो गया? मैम प्लीज, हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते। मैम प्लीज, हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। आओ। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब? आइए। हेलो यार करिश्मा, सॉरी मैम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था। ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक, तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी। हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा, रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा। गरिमा, हमको माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते आपसे, हम शराब का कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गरिमा, हम तुमसे वादा करते कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से वापस आएंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि हम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आप सबका धन्यवाद। मैडम जी, आज आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इनकी शराब छुड़वा के। थैंक यू।
संतू जी फिर से लेट हो गए का हम? आज भी तू लेट ही आया। संतू जी का बताएं, अभी बस वाला इतना ज्यादा परेशान है ना, रोज रोज के दिन हम ना जनपद का टिकट लेते हैं, हम कॉम्बेट का तक का टिकट दे देते हैं। जनपद बीच में आता तो उतर क्यों नहीं जाता? नहीं संतू जी, हमको टिकट अंबेडकर तक का देता है ना, तो हम अगर जनपद उतर जाएंगे तो अंबेडकर तक का टिकट वेस्ट हो जाएगा ना संतू जी। अच्छा, और जो अंबेडकर से वापस जनपद का टिकट लेता है उसका क्या? अरे उसका मतलब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए क्या संतू जी? सोच खुद सोच। पुष्पा जी, आप भी अंबेडकर से आई है? फिर से लेट। हाँ तो लेट तो होंगे ही ना, तुम जानते हो ना करिश्मा मैडम को, गैस पर हमने तुअर की दाल चढ़ाई थी, हमने कहा 2 मिनट का सवाल है, बस एक कुकर की सीटी बाकी है, मगर नहीं, वो सुनती कहाँ है हमारी, बाइक उठा के निकली हेडक्वार्टर और हमें छोड़ दिया बसों के धक्के खाने के लिए, तो लेट तो होंगे ही ना। ओह माय गॉड पुष्पा जी, मतलब यहाँ पर तो आपका कुछ चलता नहीं है, अब धीरे धीरे ना घर पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है, संभालिए इसको कंट्रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पर डरती है हमसे। हाँ, उनका भौकाल खत्म हो जाएगा ना, वो सब छोड़ो ना, तुमको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? आपके हाथ का बनाया हुआ तुअर दाल ना करिश्मा मैडम को पसंद नहीं होगा, इसीलिए छोड़कर चली गई होंगी आपको। भक्त, हम मैडम सर के बारे में पूछ रहे, वो हमें क्या बताने वाली है? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थाना छोड़कर जाने वाली है? हाँ हो सकता है। जय हिंद, हम आप सबको ये बताना चाहते हैं। नहीं मैडम सर, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ नो मैडम सर, नो, प्लीज मैडम सर, हम थाना छोड़कर क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जा रही है ना आप? नहीं। शुक्र है भगवान का। एनीवेज, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने सारे थानों के लिए एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। संतोष जी, ड्राइंग कंपटीशन कैसे आयोजित कर सकता है? रंगोली कंपटीशन होगा ना? तुम दोनों अपनी बकैती बंद करोगे? मैडम सर कुछ कह रही है ना? हाँ, मैडम सर। हम कहें? कंपटीशन है बेस्ट थाना ऑफ लखनऊ। जी, जिस पुलिस थाने का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, उसे अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड के रूप में उस थाने का बजट बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनाम के रूप में नगद पैसे भी मिलेंगे, वो भी 5 लाख रुपए। एक मिनट, हम अभी कंपटीशन जीते नहीं है, हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे या बजट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे महिला पुलिस थाने का नाम और ऊंचा होगा, वो सम्मान मिलेगा जो दूसरे पुलिस थानों को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल सही मैडम सर, हमारे साथ साथ और भी महिला पुलिस थाने हैं, दूसरे थाने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में सारे महिला पुलिस थाने अब भी बस छोटे मोटे घरेलू केसेस सुलझाने वाले एक सेकेंडरी थानों की कैटेगरी में आते हैं। वो ये नहीं जानते कि भले हम बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम उनकी जड़ों को साफ रखते हैं, जहां से वो पनपते हैं, उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम डिपार्टमेंट को ये एहसास दिला पाएंगे कि महिला पुलिस थाने की जरूरत और अहमियत क्या है। ऐसा ही होगा मैडम सर, ये कंपटीशन हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा बनाए रखिए। जी मैडम सर। अरे हम ही लोग जीतेंगे पुष्पा जी, गारंटी। यस मिस्टर बुलबुल पांडे, कहिए कैसे याद किया? अरे हम आपको क्या याद करेंगे, भूलने तो हमें हमारे ग्रह नहीं दे रहे। अरे घुमा फिरा के आप ही की कुंडली में ला के पटक देते हैं। अपने क्या नाम? दोबारा हमें महिला पुलिस थाना का कुंडली में ला के पटक दिया है। देखिए बुलबुल पांडे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे वो पुलिस विभाग का छाता सीधा कर प्रतियोगिता। छाता सीधा कर प्रतियोगिता? अरे नहीं, वो तो हम अपने साले को कह रहे। अरे छाता सीधा कर धूप हमने चेहरे पे आ रहा, हमने चेहरा कलिया ही नहीं छुड़ा। अरे तो चेहरे की लानत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जले हुए फटूरे रहेगा तो तू वही उठाएगी ना। काका ऐसा सर आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। सर मैडम फोन पे है। कंटिन्यू। अरे मैडम, हमने आपसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बेस्ट थाना प्रतियोगिता है उसमें आपके महिला पुलिस थाने वाले हिस्सा तो नहीं ना ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? अरे फिर तो बड़ा अनफेयर हो जाए।
कैसे? नहीं नहीं, हमें आप ये बताइए कि प्रतियोगिता का शर्त क्या है? शर्त ये है ना कि जिस थाना का रिकॉर्ड में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो केस पाया जाएगा, जो केस पाया जाएगा वो छुलटा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो वही थाना प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, है कि नहीं? सबसे कम केस यानी कि इलाके में अमन चैन, और अमन चैन यानी कि इलाके में एकदम चौकस कानून व्यवस्था, यही है ना प्रतियोगिता जीतने का आधार। हाँ तो? अरे तो ये मैडम कि आप ठहरे महिला पुलिस थाने वाले, आपके पास टोका, सास बहू का झगड़ा, मियां बीवी का लफड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का टंटा वगैरह का केस आता होगा, वो भी थोक के भाव में, जो कि आप यूं यूं चुटकी बजा कर निपटा देते होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा आपके पास। देखिए बुलबुल पांडे, सुनिए सुनिए, अब हम मेल पुलिस वाले, मेन टीम पुलिस थाना का हाई क्लास पुलिस ऑफिसर, सब कहा है कि हम बड़ा बड़ा केस सॉल्व करते हैं, हाई क्लास केस, हाई प्रोफाइल केस, हाई वोल्टेज केस। झूठा कहीं का, झूठा हो गया सर, झूठा। अब कैसे दे आपको? आप फोन पे रहिए ना सर, मैडम लाइन पे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब कहा है हसीना जी, हमको ये बड़ा बड़ा केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है बाकायदा, वरना ये प्रेस और मीडिया वाले हमारा बक्कल उखाड़ देंगे ससुरे। तो मैडम ये इस तरह से तो महिला पुलिस थाने में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो केस उल्टा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो इस तरह से तो महिला पुलिस थाना विजेता कहलाएगा, तो ये तो हम एक नंबर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? विड्रॉ कर दीजिए आप अपना नाम। कायर टायर सर, टायर देखिए ना, टायर गाड़ी, गाड़ी में हवा कम है सर। अरे तुम्हारा दिमाग में हवा ज्यादा भर गया ससुरा, देखा हम इज्जत से बात करना हमारे साथ हमको पसंद नहीं है, कह देते हैं। सर मैडम फोन पे है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। बुलबुल पांडे, अगर आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिशन हम जीतने वाले हैं, तो आपके इस भरोसे को हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात अनफेयर होने की, तो हमारा महिला पुलिस थाना केस सॉल्व करने में यकीन रखता है, केसेस गिनने में नहीं। इसलिए अगर आप अपनी केसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो एक काम करिए ना, आप भी हमारी तरह ना घरेलू केसेस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपके FIR रजिस्टर में केसेस की गिनती भी बढ़ जाएगी, और साथ साथ आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि घरेलू केसेस सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जय हिंद। बदतमीज इंसान, जब तक दिन में दो चार बार मुंह पे बेइज्जती ना करा ले, तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सर ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो क्या? तो भाई हाँ। अरे संतु जी आ गए, संतु जी आइए, बैठिए बैठिए संतु जी। इसे आपको आते हुए देखकर इस सिचुएशन पर ना एक मशहूर शायर का एक मशहूर पंक्ति याद आ गया हमको। क्यों आगे का भूल गया क्या? एक ही पंक्ति क्यों याद आई? यार यार कितना बोलता है यार, इसके मुंह में कुछ डालो। ए रिच मानव, ऐसा बोलते हैं कि एक पंक्ति याद आ गया, होता पूरा शेर ही है वो। और बीच में अगर तुम बोले ना कुछ भी बाबू, तो तुम्हारे सुनहरे बाल के बीच में से हाईवे निकाल देंगे। चुप करके बैठो तुम, शेर 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 पे फोकस करो। संतु जी हमको पंक्ति याद आया है कि अकेला ही चला था मैं जिंदगी का दही जमाने, अकेला ही चला था मैं जिंदगी में दही जमाने, आप बूंदी की तरह मिल गई हमें, और हमारी जिंदगी का रायता बन गया। दर्द है, बहुत दर्द है। वाह 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 वाह, छी ए, इन्हीं हरकतों के वजह से तुम्हारा जो कुकर है गैस पे अभी तक चढ़ा हुआ है, एक भी सीटी नहीं लगी तुम्हारी दाल में। ए इकबाल, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, इधर देख वो आ रही है, मुक्का लात मुक्का लात मुक्का लात। जय हिंद मैडम, जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप? क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका, अरुणा ईरानी। उफ मासूमियत। संतु जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दोनों का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी, कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छी लग रही हैं चश्मे आप पर। यस
सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? ये पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4,000। तो बाकी का किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोली ना कि 4,000 का लिए। हाँ, 4,000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा जाता है ना, 100-100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए है। समाओ टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हैं हम, ये हमने 4,000 में लिया है, देखो इसको। क्या बात कर रही है, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू। नाम से। और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तुम्हारे पैसे का लिए है। तुम खरीद के लिए हमको ये कायप में सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह। हाँ, पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा, सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ, एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतु मस्त। अरे जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? का कहा है? चश्मा। हाँ हाँ, चश्मा तो का हुआ पुष्पा जी? नया लिया। हाँ अच्छा ना? फिर से? अब भी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले, फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4। चाय चाय बनाओ। तो चाय लाओ 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 लाओ। 2,000 का है पुष्पा जी। हे भगवान, संभाल नहीं सकती हमें, गिर जाते तो? मैं दब जाती तो? और आप इतना महंगा चश्मा? हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है हमारे साथ, इतना महंगा चश्मा? सुनिए ना पुष्पा जी, सुनिए, हमको अच्छा लगा हमने चश्मा ले लिया, ओवर एक्टिंग करके ना दिमाग का चूरन मत कीजिए। तो कभी तो कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना। ना सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिंदगी नहीं जिया जाता है सोच समझ कर, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भरपूर होना होता है। हाँ तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए ना भरपूर पैसा भी चाहिए। गलत, पैसा नहीं चाहिए, भरपूर जिंदगी जीने के लिए भरपूर जिंदा दिली होना चाहिए, भरपूर दिमाग होना चाहिए, भरपूर दिल से होना चाहिए, भरपूर जज्बा होना चाहिए पुष्पा जी। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपको ग्रैंड सैल्यूट। चुप। और आप जो करना है करो, जो जी में आए वो करो, जितना पैसा खर्च करना है ना उतना पैसा खर्च करो। आज तक कभी हमारी कोई बात सुनी आपने? हाँ तो आज सुनेंगी। करो जो करना है कर, जितना पैसा खर्च कर। दोनों की सोच में सॉलिड फर्क है। अरे बिल्कुल सही बोले। वैसे मैडम 4,000 का 2,000 क्यों कहा आपने? संतो जी, संतो जी, देखिए मैडम 2,000 बताएं तो पुष्पा जी का बैलेंस हिल गया, मैडम अगर 4,000 बता देती तो पुष्पा जी तो गुलाटी मारते हुए थाना के अंदर जाती ना, इसीलिए मैडम 2,000 बोली। करेक्ट मैडम। अच्छा तो मैडम ऐसे आ रही थी। मैडम मैम प्लीज हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए प्लीज। का एक 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 आराम से, आराम से, का हो गया? ओ जी हमारी मम्मी जी किडनैप हो गई हैं। हैं मां? बेवकूफ, बेवकूफ है वो किडनैपर मैडम, अनप्रोफेशनल, काम करने का तरीका ही नहीं पता उसे। अरे बेटे को किडनैप करके माँ से पैसे मांगने चाहिए, माँ को किडनैप करके बेटे से पैसे मांग रहा है, ये तो ऐसे पकड़ा जाएगा। कितना फिरौती मांग रहा है किडनैपर? जी 22,11,513 रुपए। क्या फिरौती मांग रहा है कि अपने बेटे के मुंडन का बिल मांग रहा है? नहीं, सर्विस टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सब ऐड कर दिया। अरे हम खुद बहुत हैरान है भाई कि कोई भी किडनैपर इस तरीके का उल्टा पुल्टा कोई फिगर मांग करता है क्या? फेशियल कराना चाहिए किडनैपर को? नहीं ये मैडम जी को, देखो ना कितनी थकी थकी लग रही है। देखो हमारा पार्लर है मैडम जी, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है, बताओ ना बाबू। अरे क्या बाबू बाबू, कहीं तो अपनी ये दुकान बंद रखा करो। सॉरी जी, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और किडनैपर ने जो अमाउंट मांगा है ना वो एग्जैक्टली अमाउंट मेरे अकाउंट में है।
और वही अमाउंट मैंने अपनी गाड़ी लेने के लिए सेव रखा हुआ था। इसका मतलब ये जो किडनैपर है ना, ये आपका पूरा बैंक डिटेल जानता है। आपके पास आपके सास की फोटो है? हाँ 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 है। ये देखिए, ये मम्मी जी और ये मैं और ये बाबू। अरे वाह, क्या बात है, आपके पास फोन में अपनी सास की तस्वीर है, देखिए। अरे ये तो ऐसी फोन में पड़ी हुई थी, किसी फंक्शन की थी। आप देखिए, इस फोटो में आप दोनों तो काफी अच्छे, वेल ड्रेस्ड और वेल टू डू लग रहे हैं, लेकिन आपकी सासू माँ इस तरह से पुरानी सी साड़ी में क्यों है? अरे इसकी वजह भी मेरी सासू माँ ही है, क्योंकि उनको किसी भी एक चीज में ना एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की आदत नहीं है। कितनी साड़ियाँ दिलवाई पर उन्होंने एक भी साड़ी ना पहनती नहीं है, सारी साड़ियाँ वो अलमारी में डाल देती है। और पहनती कौन सी साड़ी है? वो भी पुरानी वाली जो वो दहेज में लेकर आई थी। आपके? नहीं नहीं नहीं, मेरे दहेज में नहीं, अपने दहेज में। भाभी जी कंजूस है क्या वो? कंजूस? अरे पूरा कॉलेज खोल के रखी कंजूसी का। सब बोल दो, सब बोल दो। अरे बस भी करो। क्या बस करूं? हाँ उन्हीं की वजह से हम लोग बस में धक्के खाते हैं। आज तक एक भी स्कूटी लाके दी हमको? हाँ? फिरौती कहाँ पहुँचाने? जी वो तो उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन कह रहा था कि पैसे कब कहाँ पहुँचाने हैं ये वो बताएगा मिस कॉल देके। क्या मिस कॉल? हम चक्कर नहीं समझे ये वाला। जी मिस कॉल ही देते हैं, जब उन्हें हमसे बात करनी होती है वो मिस कॉल देते हैं, हम उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं तभी बात हो पाती है। बताइए बताइए, कितना चिंदी किडनैपर है ना, फिर फिरौती मांगने के लिए मिस कॉल दे रहा। ओहो गरीब। मिस कॉल, ये उसी किडनैपर का ही फोन है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप कॉल बैक करिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ। हेलो, कौन? किडनैपर बोल रहे हैं, प्रणाम, कैसी हैं मैडम? प्रणाम भैया जी, हम ठीक हैं, आप कैसे? बस चल रहा है जी, जैसे तैसे। पैसे रेडी हैं? पैसा? हाँ 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 हाँ, रेडी है रेडी है। कहाँ लाना है वैसे? खंभा रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में, कल ठीक सुबह 11 बजे हम वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेहरबानी करके ये पुलिस वुलिस के लफड़े में मत पड़िएगा, सीधा सा डील है, पैसा दीजिए अम्मा ले जाइए, पुलिस क्या करेगी आपसदारी में, है ना? दूर रखिएगा पुलिस को, पैसे लेकर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, घबराइए मत, हम आपकी सासू माँ को सही सलामत घर वापस लौटाएंगे। हम ये केस हमारी होनहार पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह को दे रहे हैं। वही किडनैपर की लोकेशन पर जाकर इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। डोंट वरी, किडनैपर सलाखों के पीछे होगा और आपकी माताजी सही सलामत घर पे। थैंक यू सो मच मैडम। एब्रो बनवाइए वरना कल तक जुड़ जाएंगी। अरे हमारा पार्लर है ना, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है। बाबू बताओ ना। अरे क्या बताएंगे बाबू, मैडम जी वंस अगेन सॉरी। ठीक है चलो। यही आने वाले हैं ना वो लोग? हाँ जी। ठीक है तो फिर हम उनके आने से पहले छुप जाते हैं। चलो Thank you.
है, कितना दिनहीन अपहरण करता है मैडम। मैडम देखिए ना उसको, उसके जैसा गरीब असहाय दुर्बल लाचार अपहरण करता हम आज तक नहीं देखे। देखिए ना मैडम कैसे अपने दुखों के पहाड़ को रिक्शा पर लाद कर यहाँ फिरौती मांगने आया है बेचारा। मुझे बहुत घर आ रही है, तो सोचू कुछ सामने से जाके किडनैप हो जाती हूँ, बिना मांगे फिरौती के 2-3 हज़ार दे दूंगी, 3-4 जोड़ी कपड़े भी दे दूँ। बाप रे बाप संतू जी, कितना प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा भोला सा सुंदर सा स्वीट सा प्यारा सा दिल है आपका संतू जी। मैं तो कहती हूँ होने देते फिरौती, ले जाने देते इन्हें पैसे, है ना? अमाओ तोपा इंसान, दोनों की दोनों चुप करोगे? बकैती किए जा रहे हो कब से? फिर से मिस कॉल, बताइए गरीब के मोबाइल का बैलेंस बिना उसके उम्मीद के तरह होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है, देखिए बेचारा। जीते फोन भी तो देखना फोन कौन सा है, कैमरा तक नहीं, बेचारे ने आज तक सेल्फी तक नहीं ली होगी। रो देंगे अब उसका हाल देख के। करो करो कॉल बैक करो। हाँ हाँ। हेलो प्रणाम, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काम की बात करना जेंटलमैन। ऐसे ले आए? हाँ। तो पहले पैसे दो। नहीं पहले मम्मी जी फिर पैसे। नहीं पहले पैसे दो। बिल्कुल नहीं, पहले मम्मी जी दो फिर पैसे लो। तुम उधर से पैसे फेंको, हम इधर से मम्मी जी को फेंकते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है मम्मी जी को भेजते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पैसे बीच में वहाँ रख दो रास्ते में। ए बाबू, ए अब क्या मुंह दिखाई पैसा लोगे तुम? ये हटाओ, ये हटाओ। अरे हटाओ नहीं यार, भाभी अब का हटाइए, चलिए मास्क हटाइए, चेहरा दिखाइए। ये क्या का? अरे ये दोनों तो हमारे नौकर हैं, रमा और रामू। हम का बात कर रहे हो? भाई मैया की सासू मैया क्यों किया ये? मैम साहब हमसे गलती हो गया, लेकिन ये सब हमारी गलती नहीं, ये सब हम माँ जी के कहने पे किए हैं। अरे बोलिए ना मैडम जी, मुँह का है चुप किए बैठी है, आपके कहने से ही तो किया है। बता दीजिए इनको कि हम कौनों किडनैपर नहीं है, हम आपके सेवक हैं, बता दीजिए इनको। मम्मी जी, हाँ तो बताइए आपने अपने ही अपहरण का ये फर्जी ड्रामा काहे किया? आपको पैसे काहे चाहिए? इन दोनों के लिए और किसके लिए? ये इन दोनों के लिए। और नहीं तो क्या? गाड़ी जैसी फिजूल चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, बस इनकी फिजूल खर्ची रोकने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन आप पुलिस वालों ने मेरे उस नाटक का बेड़ा गर्क कर दिया। स्यापा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी भी बहू बहुत खर्चीली है? वाह क्या बात है। नहीं इसमें वाह का बात है, कक्का बात है।
अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो सास ऐसी निकली ना जो अपनी खर्चीली बहू के खर्चों पर लगाम लगा सके। नहीं मतलब आजकल की बहू है, सुनती कहाँ है किसी सास की। पैसा आया नहीं कि फुर। आपने कोशिश तो की। हाँ की ना कोशिश की, गैर कानूनी कोशिश किया इन्होंने। अरे नहीं यही सही है। हाँ ये आजकल की बहुएं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो करती हैं। और हम जरा सा फजूल खर्ची के लिए टोक दें तो हम ही मुजरिम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत बढ़िया कह रही है। बोलिए बोलिए आगे बोलिए। थैंक यू मैडम। पास होना थोड़ा। मैडम आपको पता है हमारे जमाने में हम भी बहुएं होती थी, लेकिन हमारी कभी मजाल होती थी कि हम ये कर जाए? हिम्मत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, लेकिन आजकल की बहुएं जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। आप सुन लो मैडम, टैक्सी में जाना है इनको। बताइए सरकार ने इतनी बड़ी बस दी है लाखों रुपए की, उसका जा डाल ले। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े और जूते और 2000 के धूप के चश्मे। नहीं नहीं पुष्पा जी शांत हो जाइए। शांत। हाँ भाई इनका तो यही लाइफस्टाइल है, जो मर्जी कर लो फिर चाहे इसके लिए इनके घर के बर्तन भांडे बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी, आजकल की बहुएं ऐसी हैं सारी की सारी, उनको पैसे की कीमत ही नहीं है कुछ। नहीं पुष्पा जी आप एक काम कीजिए, आप केस सॉल्व कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, हम चले जाते हैं। चलो संतू चल। ठीक है चलिए संतू। हाँ संतू सॉरी सॉरी। नहीं नहीं आप बोलिए, आप सीनियर है। नहीं क्या वैल्यू नहीं होती है बहुओं को, क्या उनको कीमत समझ में नहीं आता है, क्या हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए? और हम कहते बचाना क्यों है, किसके लिए बचाना है, काहे बचाना है? अरे आप क्यों लाल पीली हो रही हैं, मैं आपको थोड़ी कह रही हैं। आप रुकिए ना, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ पुष्पा जी तो हम कह रहे हैं, लेकिन मैडम केस मारा है, खुद को किडनैप करने के जुर्म में आपको अंदर डाल दे जेल के। कैरी ऑन। हाँ हाँ पुष्पा जी, काहे बचाना है, किसके लिए बचाना है हमको बताइए ना, नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे पैसा बचा के, छाती पे रख के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं है? और बुढ़ापा अगर आ जाएगा तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे क्या ये ब्रांडेड वॉच ब्रांडेड कपड़े? और रही बात अपने बच्चों के लिए बचाने की, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब संतु ये कि अगर संतान अच्छा हो गया तो पैसे बचाने का क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेंगे ना मेरी तरह। और अगर संतान खराब निकला तो फिर क्यों बचाना है, वो तो सब उड़ा देंगे ना चीते की तरह। नो संतु जी नो। हमारे कहने का मतलब है कि बचा के कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना है तो हर पल जियो यार। बकवास, सब बकवास है, बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना ही होता है, अब बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है, क्यों बहन जी? बिल्कुल नहीं, जब पैसा होगा तो बुरा वक्त काहे आएगा पुष्पा जी। अरे एक मिनट, आप इसे सास बहू की तरह क्यों लड़ रही हैं? ये लोग सास बहू ही है। कर रहा ससुरा आवा, देखते हैं ये महिला पुलिस थाने वाला अपना घरेलू केस कैसे निपटाते हैं, हैं? अब कहा है कि प्रतियोगिता जीतना है तो थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा। सलामत है का बोले? सब सलामत है, माता की दुआ है तो सर सब सलामत है। नहीं नहीं नहीं, तुझ पर लानत ही है। अम्मा बहुत हुआ बकैती, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। तुम्हारा पैसा है ना, ये लो तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो, संतु साइन ले लो इनका। रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर। नहीं नहीं नहीं, अरे आप इनको पैसे नहीं दे सकते, इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये दो दिन में फिजूल कट करके सब कुछ उड़ा देंगे। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है? अम्मा इनका प्रॉब्लम इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखलअंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ तो बड़ों का अधिकार होता है ये, बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है, बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ है, आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ है, लड़िए। सर एक मिनट, सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथी भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी ये हुई ना मर्दों वाली बात है? मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो?
तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी। अरे पुत्र जाने दे उसको। हाँ ये कहीं जाने वाली नहीं, सिर्फ धमकी देती है। देखो क्या कह रही है आपकी मम्मी जी, मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है, सिर्फ धमकी देगी, देखना कभी नहीं जाएगी। अरे जान 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 प्लीज। ओजी मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इनका झगड़ा और भड़का दिया। मेरा घर टूट गया है आप दोनों की वजह से। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलो मम्मी जी आप यहाँ से चलो। पैसे मैं ही रखूंगी। पैसे तो मैं रखूंगी। देख ले फिर उसको। आप भी देख लो मम्मी जी को। यार मेरे नाल चलो तो सही। तुम होप सो अब मैडम सर को ना पता चले इस ब्लंडर के बारे में। जी तो बताइए सास बहू की केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है? कैसा केस मैडम सर? केस तो सॉल्व हो गया ना? क्या? हाँ उस सोम की माता जी जो थी ना, वो खुद के अपहरण का नाटक करवाई थी और खुद से ही खुद का अपहरण करवाई थी। तो राज खुल गया, केस सॉल्व हो गया। कंट्रोल कंट्रोल संतोष कंट्रोल। कुछ तो छुपाया जा रहा है संतोष शर्मा, सच बता दीजिए वरना पूरा दिन पेट पकड़ कर खड़े रहेंगे। नहीं मैडम सर, ना ना। आप संतोष शर्मा हैं? बोलिए। अरे हम बताते हैं आपको सच। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे पता ना का है, हम आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल दे तो रहा। ये रहा। ये देखिए। देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे मैडम जी मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। क्या है ये सब? कौन सूट किया ये सब? अरे ये सब बिस्खोपड़ा काम और कौन कर सकता है? नहीं नहीं मतलब हम अगर ऐसा किए होते तो आप हमको कहते। देखिए सूट किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है वो इम्पोर्टेंट। अरे सबको लगता था, हमें भी लगता था कि ऐसे सास बहू का घरेलू केस सुलझाने में आप लोगों को महारत हासिल है, एक्सपर्ट है आप लोग, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा बह रहा है ससुरा। अरे केस को सुलझाने के बजाय उल्टा केस को उलझा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ हमको, सैड फील हुआ। मिट्टी में मिला दिया है थाना का इज्जत। अब वो बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतना तो दूर, उसमें भाग लेना भी मुश्किल हो गया है आप लोगों का। अब थाना अध्यक्ष महोदय कैसे बचाएंगे अपना महिला पुलिस थाने का मान सम्मान इज्जत? कैसे दिलाएंगे आप अपना महिला पुलिस थाना को बेस्ट थाने का अवार्ड? कैसे होगा आपका नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा बुलंद? बताइए SHO हसीना मलिक कैसे? देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। जीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है। बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है सास बहू का मैटर नहीं है, मैटर तो जनरेशन गैप का है। दो पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतोष जी, समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ, समझ रही हैं, समझ। हम नहीं, पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतोष जी।
जीता भाई, ऐसे बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है ऐसे? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो कहा पुष्पा जी, किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता हम। हाँ हाँ भाई, उतर रहे हैं, उतर रहे। चीते संतु, उतारी अम्मा जी को, कंधा दीजिए। बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं। हाँ ठीक है, चीते हेल्प कीजिए संतु जी। संतु आजा जरा, पकड़ो पकड़ो, ये देखिए बीमार नहीं है। संतु जी संभाल नहीं सकती हमें, दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डुबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना घर इनको, हमसे तो हमारे साथ बाइक पे काहे आती हैं आप? जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे, हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते, एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करे? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं, रोज बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको पचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी मैडम, मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना, कहीं से आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? ओ मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना, बुलबुल पांडे। उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। मतलब हमारे थाने की मान प्रतिष्ठा सम्मान जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह, वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा हमारा गलती है पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए, हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना उसको, उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल। हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर, जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत है हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी, वो मैं सारे दरवाजे बंद कर रही थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का, हो गया सास बहू की तरह लड़के? मैडम सर सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए, इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी
आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं SI करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम सर, गलती हो गया हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगी। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूल कर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ मिलाइए। तलखी? अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतु जी, जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे। आपने सुना, हाथ मिलाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद मैडम सर। चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय। संतोष शर्मा जी। मैडम सर आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी, कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतोष जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग, शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं।